ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में सभी लोग दिवाली से जुड़ी हुई तैयारियों में अब जुट गए हैं। दिवाली का त्यौहार इस बार हम 14 नवंबर को मना रहे हैं और धनतेरस, भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा हम 13 नवंबर को करेंगे। तो धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है दोस्तों, खरीदारी के लिए। लेकिन इस दिन की खरीदारी में हमें कुछ समझदारी भी दिखानी होती है। आमतौर पर अगर गृहिणियों की मैं बात करूं, वो ऐसी चीजें लाना पसंद करती हैं जो उनके घर के लिए उपयोग में आए। लेकिन ऐसे में कई बार हम कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं इस पवित्र दिन जो हमें नहीं लेकर आनी चाहिए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि इस धनतेरस अपनी सुख समृद्धि खुशहाली के लिए क्या वो चीजें हैं जो आपको भूल कर अपने घर नहीं लानी है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इन तमाम 5 दिवसीय जो पर्व महापर्व दिवाली का आ रहा है, इससे जुड़ी हुई हर जानकारी मैं हर रोज अब आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस धनतेरस आपको क्या भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं धनतेरस की, तो वही बात जो अगर गृहिणियों की करूं तो जरूरत की चीजें, ऐसे में कांच की वस्तुएं घर में इस्तेमाल करने के लिए, सुंदर सुंदर कांच की वस्तुएं भी महिलाएं खास तौर पर घर लाना पसंद करती हैं धनतेरस के दिन भी। लेकिन नहीं, ऐसा हमें भूल कर नहीं करना चाहिए। कांच की वस्तुओं का संबंध, चाहे वो क्रॉकरी हो, डेकोरेटिव पीसेस हो, किसी भी तरह का बास आप कोई ला रही हो डेकोरेशन के लिए, आप नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि कांच का संबंध होता है राहु से, और ऐसा करने से राहु एक नीच ग्रह माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है राहु की वजह से। तो इस धनतेरस भूलकर भी कांच की वस्तुएं, कांच से बनी हुई कोई भी चीज आप अपने घर ना लाएं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जिसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, धनतेरस वैसे माना गया है कि हमें सोने, चांदी, महंगी धातु और शुभ धातुओं को इस दिन हमें घर लाना चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। लेकिन अगर हम ये नहीं भी ला पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन धनतेरस के दिन हमें एल्युमिनियम के बर्तन भी अपने घर नहीं लाने चाहिए। एल्युमिनियम का भी संबंध राहु से होता है, और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस जैसे पावन दिन पर एल्युमिनियम के बर्तन अगर आप घर लाते हैं, आप लाएं इस्तेमाल में। देखिए, हम सभी अपने किचन में एल्युमिनियम के बर्तन करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन उसका इस्तेमाल और उसकी खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, पूजा पाठ में सभी लोग मना करते हैं कि आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर ले, क्योंकि वो एक मिक्स धातु हो जाता है, आप कर सकते हैं, लेकिन पीतल का इस्तेमाल करें, कांसे का इस्तेमाल करें। देखिए, सोने चांदी के पूजा में भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पीतल, कांसा, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्टील का कर सकते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में शुभता के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तब भी आप एल्युमिनियम के बर्तन इस दिन ना खरीदें, ये भी आपके घर में अशुभता लेकर आता है, इसका भी संबंध राहु ग्रह से है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस दिन आपको काली रंग की कोई भी वस्तु अपने घर नहीं लानी है। वो काले कपड़े ना हो, वो काले डेकोरेटिव आइटम ना हो, किचन के लिए अगर आप काला कुछ लाना चाहते हैं वो आप ना लेकर आए, फर्नीचर लोग ले आते हैं वो ना लाएं, किसी भी तरह की काली वस्तु आप धनतेरस के दिन ना खरीदें। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में काले रंग को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसीलिए आपको काले रंग की खरीदारी किसी भी शुभ दिवस पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये भी आपके जीवन में अशुभता लेकर आती है। तो आप बिल्कुल काले रंग से बचें धनतेरस के दिन भी। चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज, देखिए, हम खरीदारी करने जब जाते हैं तो हम धनतेरस वाले दिन भी अगर एक बार हम क्रॉकरी की शॉप में घुस गए तो कुछ कुछ चीजें लेने लगते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, कोई भी नुकीली चीज इस दिन आपको नहीं लेनी है। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो ध्यान दें कि आपको चाकू, कैची, इस तरह की कोई भी धारदार चीज, काटने संबंधित कोई भी चीज आप किचन के इस दिन
ना लें। कहीं भी इस्तेमाल करना हो आपको धारदार चीज, आपको धनतेरस वाले दिन किसी भी शुभ मौके पर, आपको बता दूं, नहीं लेनी चाहिए। तो आप इस धनतेरस भी ऐसी कोई खरीदारी बिल्कुल ना करें। पांचवी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आप ध्यान दें। देखिए, दिवाली की तैयारियों में हम रहते हैं तो हम तेल लाते हैं। अब अगर हम शॉपिंग के लिए गए हैं तो हम उस दिन भी तेल खरीद लेते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। धनतेरस वाले दिन आपको तेल की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। आप इस दिन घी खरीद सकते हैं लेकिन तेल नहीं। तेल आप उसके पहले ले आए, क्योंकि कई लोग धनतेरस वाले दिन से ही दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आप तेल पहले से लाकर रख लें। और धनतेरस वाले दिन आप बिल्कुल तेल ना खरीदें, रिफाइंड भी ना खरीदें, किसी भी तरह का तेल आप धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो अब मैं आपको छठी वो चीज बता दूं जो कि धनतेरस के दिन आपको खरीदारी में नहीं लानी है। आपको इस दिन लोहे के बर्तन, देखिए किचन में लोहे के बर्तन में खाना बनाना हेल्थ के लिहाज से अच्छा होता है, आप लाइएगा, लाएं, यूज भी करें, लेकिन धनतेरस वाले दिन नहीं। जैसा मैंने बताया, एल्यूमिनियम, कांच और लोहा, इनके बर्तनों की खरीदारी आप धनतेरस वाले दिन बिल्कुल नहीं करेंगे। लोहे का संबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव से होता है, तो आपको धनतेरस वाले दिन, शुभता वाले दिन लोहे की खरीदारी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन दोस्तों नकली गहने, महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, वो बाहर जाती हैं तो अपने लिए भी तरह तरह की चीज़ें खरीदती हैं। ऐसे में अगर हम खरीदारी अपने लिए कर रहे हैं तो नकली गहने, नकली आभूषण भी धनतेरस वाले दिन हमें नहीं खरीदने चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, धनतेरस वाले दिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम बर्तन वगैरह ज्यादा लेकर आते हैं, तो ऐसे में जब आप बर्तन लेकर आ रहे हो, चाहे वो किसी भी धातु का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, किसी भी चीज का हो, उन बर्तनों को खाली अपने घर में ना लेकर आए। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी अगर आप उन बर्तनों में या तो कुछ अनाज भर कर रख लें बाहर से जब आप घर ला रहे हैं, या उसमें पानी भी कम से कम जरूर भर लें, कोई मिठाई उसमें डाल दें, जहां पर अपने बर्तन रखे उसी में डाल दें, लेकिन कुछ ना कुछ डालकर, कुछ ना कुछ भरकर ही उन बर्तनों को आप धनतेरस वाले, शुभता भरे इस दिन पर घर लेकर आए। तो दोस्तों ये जानकारियां बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस धनतेरस पर जब आप खरीदारी के लिए जाएंगे तो इन तमाम बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में ये शेयर जो मैंने जानकारियां की है ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने रहें। इसी तरह के कई अन्य वीडियोस में आपके साथ अब लगातार शेयर करती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।